हॉन्टेड स्कूल। स्कूल एक ऐसी जगह जहां हम अलग अलग चीजों के बारे में सीखते हैं, जहां हमको हमारे दोस्त मिलते हैं और जहां हम अक्सर खुश रहते हैं। शायद स्कूल्स हमारा एक दूसरा घर बन जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं स्कूल्स के अंदर कई सीक्रेट्स भी छुपे होते हैं। मंडे शाम को जब मिसेज यादव को उनके बेटे जुगल के बोर्डिंग स्कूल से फोन आया, तो उन्हें नहीं पता था कि उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो फोन उस बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल का था, जिन्होंने मिसेज यादव को बताया कि उनका 12 साल का बेटा जुगल पिछले 2 दिन से मिसिंग है। जुगल के पेरेंट्स ये खबर सुनते ही सीधा जुगल के बोर्डिंग स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि फ्राइडे रात को जुगल स्कूल की बाउंड्री वॉल जंप करके बाहर फॉरेस्ट एरिया में चला गया था और वो तब से मिसिंग है। प्रिंसिपल ने कहा कि पुलिस ने पूरा स्कूल, हॉस्टल और सारा फॉरेस्ट एरिया देखा, लेकिन जुगल कहीं नहीं मिल रहा। ये सुनकर जुगल के माँ बाप रोते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आए और तब स्कूल के गार्ड ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे उनके होश उड़ गए। उसने कहा कि जिस इलाके में वो बोर्डिंग स्कूल बना है, पहले वहां एक शमशान घाट था और अब माना जाता है कि वो इलाका हॉन्टेड है और अब वहां कई आत्माएं भटकती हैं। उस गार्ड ने कहा कि हो ना हो, जुगल को उसी में से एक आत्मा ने अपना शिकार बना लिया है। उसके मॉम डैड को उस गार्ड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन लोगों ने और भी बहुत से टीचर्स, स्कूल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर सबसे बात की, लेकिन किसी से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उस रात जुगल के मॉम डैड उसके बॉयज हॉस्टल के रूम में ही रुक गए। मिसेज यादव बाहर निकलकर एक दो लड़कों से जुगल के बारे में पूछने लगी और तब उन्हें एक लड़के ने बताया कि जुगल हमेशा अकेला अकेला ही रहता था। जुगल का उस स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। उसने ये भी बताया कि उसने कई बार जुगल को खुद से ही बातें करते देखा था। ये सुनकर मिसेज यादव को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो और मिस्टर यादव दोनों ही हमेशा बहुत बिजी रहते थे, पर अपने बेटे के लिए उनके पास कभी टाइम ही नहीं था। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो कितना अकेला है। यही सोचते सोचते मिसेज यादव की आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मिसेज यादव की आंख खुली तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई काली परछाई उनके बेड के पास खड़ी उन्हें देख रही है। उस परछाई की लाल आंखें थीं, जो बस मिसेज यादव को ही घूरे जा रही थीं। वो परछाई उनकी तरफ आगे बढ़ी और अचानक मिसेज यादव की चीख निकल गई। उस चीख से उनके हस्बैंड उठ गए और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही कमरे की लाइट जली, वो परछाई कहीं गायब हो गई। अब उस रूम में मिस्टर और मिसेज यादव के अलावा और कोई नहीं था। मिस्टर यादव ने अपनी पत्नी को शांत किया, लेकिन मिसेज यादव को यकीन था कि उन्होंने किसी को तो वहां पर देखा है। मिसेज यादव ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उन्हें अब डर लगने लगा था कि कहीं उस स्कूल में वाकई कोई आत्मा तो नहीं भटक रही जिसने उनसे उनके जुगल को छीन लिया। तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उस रूम में रखी अलमारी अपने आप खुल गई हो। मिसेज यादव उस अलमारी के पास गईं और उसमें उन्हें जुगल का लिखा हुआ एक लेटर मिला। मिसेज यादव रूम में रखी स्टडी टेबल पर उस लेटर को पढ़ने लगी। वो लेटर एक कंप्लेंट लेटर था जिसे जुगल ने स्कूल प्रिंसिपल को एड्रेस किया हुआ था। उस लेटर में जुगल ने लिखा था कि कुछ सीनियर्स काफी टाइम से उसे परेशान कर रहे हैं। उन सीनियर्स में से एक प्रणव भी था, जो कि प्रिंसिपल का बेटा था। एक बार उसने और उसके साथियों ने पूरे बॉयज हॉस्टल के सामने जुगल के कपड़े उतरवाकर उससे डांस करवाया था। तब से जुगल उनसे बहुत डरता था और वो जुगल को हमेशा सताते रहते थे। जुगल का लेटर पढ़कर जुगल की मां का रोना निकल गया। उन्होंने तय किया कि वो सुबह होते ही
प्रिंसिपल और उसके बेटे प्रणव के खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करेंगी। प्रिंसिपल का बेटा प्रणव भी उस रात वॉशरूम जाने के लिए उठा था। वो वॉशरूम जा रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन उस पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो वॉशरूम पहुंचा तो वो कदमों की आवाज भी बंद हो गई। जब वो अपने हाथ धो रहा था तो अचानक वॉशरूम में लगे शीशे में उसे जुगल दिखा, जो उसके देखते ही गायब हो गया। प्रणव को लगा कि वो शायद उसका वहम होगा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा उसके सामने जुगल खड़ा था। अचानक से जुगल का चेहरा बदल गया, उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, आंखें लाल हो गईं और उसके पूरे शरीर पर चोटे ही चोटे थी। जुगल का वो रूप देखकर प्रणव के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक प्रणव हवा में उड़ने लगा और पीछे कांच के शीशे में जा गिरा। प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चीखने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस भीड़ में जुगल के पेरेंट्स भी थे। उन्हें देखते ही प्रणव ने उनसे माफी मांगी। प्रणव ने उन्हें बताया कि जुगल कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि प्रणव और उसके दोस्तों ने मिलकर अनजाने में जुगल की जान ले ली। उसने बताया कि उस रात उन लोगों ने ड्रग्स लिए हुए थे और उसी के नशे में वो जुगल को तंग कर रहे थे। जुगल उनसे डर के स्कूल बाउंड्री वॉल जंप करके फॉरेस्ट एरिया की तरफ भागा और वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। वो जुगल के उनसे भागने से चिढ़ गए और गुस्से में उन्होंने क्रिकेट बैट्स और हॉकी स्टिक्स से उसे मार डाला। स्कूल प्रिंसिपल ने भी अपने बेटे प्रणव को बचाने के लिए जुगल की लाश को स्कूल की पुरानी कॉम्पोजिट पिट में दफना दिया और जुगल को मिसिंग करार दे दिया। प्रणव के कन्फेशन के बाद उसको, उसके दोस्तों और स्कूल के प्रिंसिपल को पॉस्को एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से मिस्टर और मिसेज यादव की जिंदगी तबाह हो गई। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था।